एसएम इन्फोटेक का और एक फ्रेश न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने मेरे चैनल का अगला वीडियो में आप सबको बताया था आप लोग कैसे एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हो। उस वीडियो में आप सबको ये समझ आ गया था कि एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट को कैसे रिडीम किया जाता है। लेकिन दोस्तों, रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करने से पहले हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड पोर्टल में। आप में से जिन जिन लोगों के पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, उनके लिए ये वीडियो है। इन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को कैसे ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरा। उस वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एक कमेंट कर रहे थे कि भाई, हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना नहीं आता है, हम लोग कैसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट करें वो आप बताइए। तो ये वीडियो उसका ही हेल्प है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग आपका क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है उसको नोट कर लीजिए, उसका एक्सपायरी डेट को नोट कर लीजिए एंड उसका सीवीवी नोट कर लीजिए एंड क्रेडिट कार्ड का आपका जो पिन है, जिस पिन को देके आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, उसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोग आपका मोबाइल में या आपका कंप्यूटर लैपटॉप में एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सर्च टैब में सर्च कीजिए HDFC लिख के, देन सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे, सबसे पहले आपको HDFC बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट HDFCbank.com आएगा, उसमें आप लोग जाइए। जाने के बाद आपको राइट साइड ऊपर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन में जैसे ही आप लोग माउस का कर्सर को रखोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो जाएगा। आपको क्रेडिट कार्ड पोर्टल में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको कंटिन्यू टू क्रेडिट कार्ड पोर्टल में क्लिक करना है। आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। आपको नीचे रजिस्टर्ड नाउ का एक ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, तो आपको सिंपली इस रजिस्टर्ड नाउ में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी डाल देना है। यूजर आईडी क्या होगा, यूजर आईडी एक यूनिक आईडी होगा जिसमें आप लोग आपका नेम एंड कोई भी नंबर्स को ऐड कर सकते हो। देन आपको नेम एज ऑन कार्ड, कार्ड में जिस यूजर का आप लोग यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हो उसका नेम दे देना है। एज पर कार्ड, कार्ड में जैसा लिखा हो वैसे ही देना है आपको। देन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर कीजिए यहाँ पे। देन कार्ड का एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर सिलेक्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पे एंटर करना है क्रेडिट कार्ड का पिन, मतलब जिस पिन को एंटर करके आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो वो पिन आपको डालना है। तो मैं जल्दी से सारे फील्ड्स को एंटर कर देता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। ये सब कुछ फिल करने के बाद आप लोग सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एरर आ सकते हैं। द एंटर्ड यूजर आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग। तो आपको ये जो यूजर आईडी है इसको चेंज करना है, मतलब इस नेम से कोई भी यूजर पहले से रजिस्टर्ड है। तो मैं यूजर नेम को यहाँ पे, यूजर आईडी को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, देन फिर से कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, इस OTP को आप लोग यहाँ पे फिल कर लीजिए, देन फिर से कंटिन्यू। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड सेट करना रहेगा। आप लोग यहाँ पे पासवर्ड को दे दीजिए, देन फिर से वो पासवर्ड नीचे वाले पोर्शन में दे दीजिए। दो बार सेम पासवर्ड देने के बाद आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। देन देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ से। अब आप लोग लॉगिन में क्लिक करके इसमें लॉगिन कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने जो यूजर आईडी क्रिएट किया था वो यहाँ पे डाल दीजिए, देन पासवर्ड दे दीजिए यहाँ से, देन लॉगिन। ये देखिए, ये लॉगिन हो चुका है। आपको ये एक्सेप्ट पे टिक कर देना है, देन एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो देखिए दोस्तों, आपका क्रेडिट कार्ड पोर्टल में लॉगिन हो चुका है। उम्मीद करूँगा आज का ट्यूटोरियल आपका बहुत ही काम आएगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपका काम आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड आपके दोस्तों में शेयर कीजिए जिनके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है। अगर आप इस टाइप के और भी वीडियोज को देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।